मित्रों ओम श्री गणेशाय नमः। आइए जानते हैं मंगलवार यानी कि 8 सितंबर 2020 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। हमारा जो भारतीय ज्योतिष पंचांग होता है वो होता है सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त पर आधारित। पंचांग एक संस्कृत का शब्द ही है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पांच अंगों से निर्मित, और वो पांच अंग होते हैं तिथि, वार, योग, नक्षत्र और करण। इन्हीं पांचों चीजों से मिलकर हमारे पूरे पंचांग का निर्माण होता है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र, तीनों चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इन्हीं सभी चीजों की संपूर्ण और सटीक जानकारी जो कि मंगलवार 8 सितंबर 2020 के लिए है बताने वाला हूं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें, संपूर्ण पंचांग का लाभ उठावें। पंचांग का वीडियो आपको पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तो जरूर करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में यानी कि कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। मित्रों आज का पंचांग आपको बताना आरंभ करूं, उससे पहले शुभकामना उन लोगों को जिनका आज जन्मदिन है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं भगवान गणेश की कृपा से आपके जीवन के सभी प्रकार के बाधाओं का अंत हो। साथ ही साथ जिनका भी आज मैरिज एनिवर्सरी है ऐसे लोगों को मैरिज एनिवर्सरी की हार्दिक शुभकामनाएं भगवान शिव और माँ पार्वती की तरह। आप दोनों की जोड़ी हमेशा यूं ही बनी रहे। साथ ही साथ जो भी इस पंचांग को देख रहे हैं यानी कि आपके लिए मैं आज के दिन की मंगलमय होने की भगवान गणेश से कामना करता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए चलिए जानते हैं मंगलवार 8 सितंबर 2020 का संपूर्ण और विस्तृत पंचांग। आज है विक्रम संवत 2077, शक संवत 1942, कली संवत 5122, माह रहने वाले अश्विन, पक्ष कृष्ण, ऋतु शरद ऋतु, तिथि रहने वाली है षष्ठी। षष्ठी तिथि आज रात के 12:05 तक रहने वाला है, उसके बाद सप्तमी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र रहेगा आज भरणी। भरणी नक्षत्र आज सुबह के 8:26 तक रहेगा, उसके बाद कृतिका नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। करण आज रहने वाला गर। गर करण आज सुबह के 10:55 तक रहेगा, उसके बाद वनिज करण आरंभ हो जाएगा जो कि रात के 12:05 तक चलेगा। योग आज रहने वाला है व्याघात। व्याघात योग आज शाम के 5:32 तक रहने वाला है, उसके बाद हर्षण योग आरंभ हो जाएगा। दिशासूल आज उत्तर दिशा में है। उत्तर दिशा में किसी भी खास प्रयोजन से यात्रा ना करें, आज नुकसान यहाँ पे आपको हो सकता है। अगर हर रोज आपको यात्रा करनी है फिर तो कोई बात नहीं है। शुभ खाद्य मंगलवार के दिन गुड़ होता है, गुड़ खाकर यात्रा आरंभ करेंगे, आपके कार्य आज बनेंगे। चंद्र राशि मेष रहने वाली है। मेष राशि में चंद्रमा आज दिन के 3:10 तक रहेगा, उसके बाद वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। व्रत त्यौहार में आज ऐसा कुछ नहीं है। आइए अब सूर्योदय और चंद्रोदय की स्थिति को जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह के 6:02 पर और सूर्यास्त शाम के 6:34 पर। चंद्रोदय होने वाला है रात के 10:12 पर और चंद्रास्त होने वाला है दिन के 11:05 पर। ये तो थी सूर्योदय और चंद्रोदय की बात। आइए जानते हैं अब आज के शुभ चौघड़िया को। तो आज का शुभ समय रहने वाला है दिन के 3:26 से लेकर शाम के 5 तक, और आज का चर समय रहने वाला है सुबह के 9:10 से लेकर 10:44 तक। आज का लाभ समय रहने वाला है दिन के 10:44 से लेकर 12:18 तक, और आज का अमृत समय दिन के 12:18 से लेकर 1:52 तक रहने वाला है। ये तो थी शुभ चौघड़िया की बात। आइए अब जानते हैं आज के राहुकाल और गुलिक काल की स्थिति को। राहुकाल रहने वाला है दिन के 3:26 से लेकर शाम के 5 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आपको आरंभ बिल्कुल भी नहीं करना है, ये एक अशुभ मुहूर्त होता है। ये आज का शुभ समय भी इसी समय पर रहा है तो ये बात का ध्यान जरूर रखें। गुलिक काल जो कि शुभ मुहूर्त होता है वो रहने वाला है दिन के 12:18 से लेकर 1:52 तक। इस समय में आप कोई भी नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज का अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है दिन के 11:53 से लेकर 12:43 तक। इस समय में कोई भी नया कार्य आप आरंभ कर सकते हैं, ये भी एक शुभ मुहूर्त होता है। आज का विजय मुहूर्त रहने वाला है दिन के 2:24 से लेकर 3:14 तक, और आज का गोधली मुहूर्त रहने वाला है शाम के 6:22 से लेकर 6:46 तक। तो मित्रों ये था आज का संपूर्ण पंचांग। इसी तरह की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहें धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहें धर्म शिक्षा। जय माता दी।